हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बालशाली लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बालशाली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी हैं और एक लड्डू ही काफ़ी है आपको पूरा दिन एनर्जी देने के लिए, और इन्हें बनाना बेहद आसान है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इन हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम देसी घी लिया है। कप से नापेंगे तो आधा कप है। पूरी रेसिपी में हम इसी घी का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें से 2 से 3 चम्मच देसी घी इस कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे हम 25 ग्राम फूल मखाने। कप से नापेंगे तो 2 कप फूल मखाने हैं। इसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं और ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। आप इन्हें गर्मियां और सर्दियां दोनों में ही खा सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से। और ये देखिए काफ़ी क्रंची हो गए हैं। अगर मैं इस तरह से इन्हें हाथ से क्रश कर रही हूँ तो ये देखिए इजीली टूट रहे हैं, इट मीन से अच्छे से भुन गए हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस बर्तन में। अब इन्हें गिलास से या फिर कटोरी से या फिर किसी भी मेशर से इन्हें हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब इन फूल मखानों को आप चाहें तो ग्राइंडर जार में पीस कर बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं, या फिर इन्हें हल्का दरदरा पीस सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं ग्लास से क्रश कर रही हूँ थोड़ा सा मोटे चंक्स में भी आप इन्हें छोड़ सकते हैं इस तरीके से। मैंने देखिए इन्हें इस तरह से हल्का सा क्रश कर लिया है, और अब आधे मखाने मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और आधों को मैं इस तरह से थोड़े से मोटे पीसेस में रखूंगी। और ये देखिए मैंने ग्राइंडर जार में इन्हें हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। और अब इसी कढ़ाई में हम बाकी का बचा हुआ घी डाल देंगे, और इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। अगर वेट में नापेंगे तो 140 ग्राम गेहूं का आटा है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि आटा अच्छे से घी ना छोड़ने लग जाए, या फिर इसका कलर ना चेंज हो जाए, या जब तक आपको इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। ये सभी साइन होते हैं कि जब आपको पता लग जाएगा कि आटा अच्छे से भुन गया है। ये देखिए अभी लग रहा होगा कि घी इसमें कम है, लेकिन आपने घी इसमें और नहीं डालना है, क्योंकि जैसे जैसे आटा भुन जाता है ना, ये अपने आप ही घी छोड़ने लग जाता है। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, और साथ ही थोड़े से काजू के टुकड़े डाल देंगे। ड्राई फ्रूट इसमें आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, यानी आप इसमें काजू बादाम स्किप कर सकते हैं। सिर्फ मखाना और आटे के साथ भी आप ये लड्डू बना सकते हैं। और ये देखिए अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। और आप अगर इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से इसे प्लेन सरफेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर आपको हल्का सा घी भी दिखाई दे रहा है। और ये जो मिक्सचर था ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, यानी हल्का सा मेल्टेड सा लग रहा है, क्योंकि जो आटा है उसने अपना घी छोड़ दिया है। और इसका कलर भी बहुत चेंज हो गया है, और इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। और आप आटे के कलर का डिफरेंस भी देख सकते हैं, पहले कैसा क्रीमिश था और अब अच्छे से गोल्डन सा कलर हो चुका है, यानी हल्का सा ब्राउन कलर हो चुका है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुना है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब ये आटा जो भुना हुआ है हम इसी में परात में या इसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने मखाने रखे हुए थे। और इसे पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। और ये देखिए जब ये मिक्सचर भी हल्का सा ठंडा हुआ है तो मैं इसमें 2 पिंच यहाँ पर जायफल का पाउडर डाल रही हूँ। जायफल का पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे, और साथ ही 100 ग्राम मैं यहाँ पर बूरा डाल रही हूँ। 100 ग्राम यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप इसकी जगह पाउडर शुगर डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, या फिर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर गुड़ को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं देसी घी के साथ। तो जो भी आपको पसंद हो आप इसमें मीठे के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, और मीठा इसमें आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इस समय ये एक पंजीरी के जैसा है, जैसे पंजीरी बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वही है। अगर आप इसके लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, और आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में या फिर रूम टेम्परेचर पर भी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पर क्योंकि आज मैं इसके लड्डू बनाने वाली हूँ तो मैं इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बस दूध डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देसी घी और डाल दीजिए, तब भी इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल दिया है, उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसमें हाथ में हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से इसके लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इस पूरे मिक्सचर से 400 ग्राम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए हमारे बालशाली लड्डू बनके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बने हैं। मैं इसे इस तरह से पेपर कप्स में लगा रही हूँ, मेरे पास पड़े हुए थे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं।
और ये देखिए बहुत टेस्टी, बहुत ही शानदार और एकदम से मुंह में घुल जाने वाले हैं। ये मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए अंदर से कितने बढ़िया लग रहे हैं। और अगर आपके बच्चे या कोई भी बड़े ड्राई फ्रूट नहीं खा पाते हैं तो आप उन्हें पूरा ड्राई फ्रूट या जैसे हमने मखाने डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाला है, सबको ग्राइंडर जार में पीस कर आप ये लड्डू बना सकते हैं। तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और आप उन्हें आसानी से ये लड्डू खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।